नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, अगर आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी हैं, आप चाहते हैं कि मेरी हर इच्छा पूरी हो, तो आप ज़रूर करें देवी देवताओं की उपासना राशि अनुसार। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार लोगों की मानता है कि धरती पर 33 करोड़ भारतीय देवी देवता हैं। अग्नि पुराण के अनुसार यह माना जाता है कि अपनी राशि के अनुसार देवी देवता की उपासना करना शुभ फलदायी होता है। अगर आप अपनी जन्म राशि के अनुसार अपने देवी देवताओं की सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा और विश्वास से उपासना करते हैं, तो आपको लाइफ में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन यदि आपको नहीं पता कि अपनी राशि के अनुसार किस देवी देवता की उपासना करें, तो हम आपको इस बारे में कुछ ज़रूरी बातें बता रहे हैं। मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, इसीलिए अपने मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए मेष राशि वालों को भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। वृष राशि। वृष राशि का शुक्र ग्रह है, इसीलिए वृष राशि वालों को लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि का मालिक ग्रह बुध है, बुध के देवता श्रीमन नारायण हैं, इसीलिए बुध राशि वालों को अच्छे भाग्य के लिए भगवान श्रीमन नारायण की आराधना करनी चाहिए। कर्क। कर्क राशि का मालिक ग्रह चंद्रमा है, देवी गौरी चंद्रमा की देवी हैं, गौरी शांति और दया की देवी हैं, इसीलिए यदि आपकी राशि कर्क है, तो आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी गुरु की उपासना करनी चाहिए। सिंह राशि का मालिक ग्रह सूर्य है, और इस ग्रह के मालिक देवता भगवान शिव हैं। भगवान शिव को खुश करना आसान है, इसीलिए सिंह राशि वाले जातकों को अपने भजनों और उपासना से भगवान भोलेनाथ को खुश करने का प्रयास करना चाहिए। कन्या राशि का ग्रह बुध है, विष्णु के अवतार भगवान श्री मन्नारायण बुध ग्रह के मालिक हैं, इसीलिए कन्या राशि वालों को अच्छे भाग्य के लिए भगवान श्री मन्नारायण की उपासना करनी चाहिए। तुला। तुला राशि का मालिक शुक्र ग्रह है, और शुक्र ग्रह की स्वामी देवी लक्ष्मी है, इसीलिए आप देवी लक्ष्मी की आराधना उपासना करें, इससे सौभाग्य और धन धान की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि के मालिक ग्रह भी मंगल है, इसीलिए वृश्चिक राशि वालों को अपना मंगल मजबूत करने के लिए भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं, बृहस्पति के स्वामी श्री दक्षिणमूर्ति हैं, और जो कि भगवान शिव के भोलेनाथ के अवतार हैं। ये ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं, इसीलिए इनका प्रभाव प्राप्त करने के लिए धनु राशि वालों को श्री दक्षिणमूर्ति की उपासना आराधना करनी चाहिए। मकर। इस राशि के स्वामी मंगल हैं, इसीलिए मंगल मकर राशि वालों को भी सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। कुंभ। कुंभ राशि के स्वामी भी मंगल हैं, भगवान शिव भोलेनाथ मंगल के मालिक हैं, इसीलिए कुंभ राशि वालों को पवित्र मन से भगवान शिव की आराधना उपासना करनी चाहिए। मीन राशि के मालिक ग्रह बृहस्पति हैं, बृहस्पति के स्वामी श्री दक्षिणमूर्ति हैं, इसीलिए मीन राशि वालों को श्री दक्षिणमूर्ति की उपासना अर्चना करनी चाहिए। जब आप अपनी राशि के अनुसार देवता की उपासना करते हैं, तो इससे आपकी दिव्य शक्ति बढ़ती है, और उस देवी देवता पर भी ग्रहों की स्थिति बदलने का प्रभाव पड़ता है। आप अपनी राशि के स्वामी की उपासना कर मनवांछित सफलता पा सकते हैं। धन्यवाद। मैं आपसे इसी तरह जुड़ी रहूँगी और आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देती रहूँगी।